वैलेंटाइंस डे से ठीक 14 दिन पहले एक लव स्टोरी का खुलासा हुआ है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल लखनऊ के टेढ़ी पुलिया इलाके में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऑफिस में ही इंटीमेट हो गई, और चौंकाने वाली बात तो ये है कि लड़की का बॉयफ्रेंड उसके ऑफिस में काम करने वाला कोई एम्प्लॉय नहीं, बल्कि सड़क पर ठेला लगाने वाला शख्स निकला। प्यार का भूत दोनों के सर कुछ इस कदर हावी था कि वो ये बात भूल गए कि वो अपने घर पर नहीं बल्कि ऑफिस में बैठे हैं, जहां और कई लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम रहीम है और वो फल का ठेला लगाता है। ठेले के कुछ ही दूरी पर उसकी गर्लफ्रेंड का ऑफिस है। एक दिन ऐसे ही रहीम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके ऑफिस चला गया। वहां पहले तो दोनों ने बातचीत की, फिर रहीम ने जब देखा कि उनके आसपास और कोई नहीं है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अश्लील हरकतें करने लगा, और इसमें प्रेमिका ने भी उसे एक बार नहीं मना किया। इस बीच ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियां वहां पहुंच गई और दोनों को अश्लील हरकत करते देख लिया। इसके बाद दोनों ने इसका विरोध किया और रहीम ने माफी मांगने की जगह दोनों लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया। इस दौरान ऑफिस में काम कर रहे और लोग भी वहां पहुंच गए। देखते ही देखते मामला मारपिटाई तक पहुंच गया। सभी एम्प्लॉयज ने वहां मौजूद खड़े रहीम की जमकर धुलाई की। तभी वहां ऑफिस का मैनेजर भी पहुंच गया और उसने भी रहीम को जमकर मारा। जब रहीम अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस से भागा तो सब उसके पीछे दौड़े और उसे दबोच लिया। फिर उसके कपड़े फाड़कर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उसकी खूब पिटाई की गई। रहीम ने मामला निपटाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी। इस दौरान सड़क के पास किसी ने इसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल होने के बाद ADCP प्राची सिंह ने विकास नगर इंस्पेक्टर को मुकदमा दर्ज करने को कहा। पुलिस ने आरोपी 4 महिलाओं के साथ 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।